खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर झारखंड के सियासत गर्म है। वहीं चंदन कियारी के विधायक कंवर बाउरी ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद भी मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन्हें गलती स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मामला सामने लाई कराई है, तभी यह चोरी पकड़ी गई है। अमर बाउरी ने कहा कि हेमंत सरकार के पाप का घड़ा अब भर चुका है। चंदन कियारी के यहाँ पे चंदन कियारी के विधायक अमर बाउरी जी, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा जो झारखंड सरकार को नोटिस भेजी है, किस तरह का संकट जो है जो यहाँ की सरकार यानी झारखंड की सरकार हेमंत सरकार किस तरह से अपने आप को देख रही है, क्या बोलेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई की है और वैधानिक कार्रवाइयाँ जो की जा सकती है। भारत का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और डेमोक्रेटिक सेटअप में सबको न्याय मिले, इसको लेकर के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको फ्रेम किया है। चुनाव आयोग एक नियामक संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसमें किसी सरकार का ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार का किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। वो पूरी तरह से अपने आप को एग्जीक्यूट करती है और सीधा उनका जो परफॉर्मेंस जो रहता है वो सीधे वहाँ जा करके आपको रिपोर्ट करना होता है, ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय को किसी को करना पड़ता है। तो उसकी जो कार्रवाई है उस पर भी अगर यदि किसी ने यदि अंगली उठाया तो इस तरह से हो जाएगा कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आपने किया है, आपने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद भी आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, आपने अपने परिवारजनों को आपने गलत तरीके से जो झारखंड के संसाधन है उसका गलत अधिकारी बनाया है, उससे आपने लाखों अरबों रुपये कमाए हैं, कमाने की कोशिश की है, आपने नियत में खोट दिखाया है, तो ये आपका नैतिक दायित्व तो बनता है उन पे उंगली ना उठा करके। आपने जो कृत्य किया है, आपने जो कार्य किया है, जब वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट सिर्फ ऐसा मत कीजिए कि भाई एक्सेप्ट कर लिया और थेथरई करके नहीं होगा। आप उसका इस्तीफा दे करके उसको जो आप स्वीकार कर लीजिए, आपसे गलती हुई है, आपके लोगों से गलती हुई है, आप उसको इस्तीफा दे करके स्वीकार कर लीजिए। लेकिन यहाँ कहीं गलती जो है उनका कहीं उसमें खेद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी ने, अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने, अपने अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनकी गड़बड़ियों को पकड़ा है, जिस तरह से उनकी चोरी को पकड़ा है और जनता के समझ जिस तरह से लेकर के हम लोगों ने लाया है, इसलिए चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वह इस तरह के बहाने बाजी और इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर सही में यदि उनके मन में कहीं किसी प्रकार के प्रायश्चित है तो इस्तीफा देकर उनको प्रायश्चित करना चाहिए। क्या ऐसे भी देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार पे और भी नोटिस आने की संभावना है, और जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में किस तरह का यहाँ पे देखा जा रहा है? देखिए, हम लोग भारतीय लोग हैं और हम लोग हमेशा से विश्वास करते हैं जब भी पाप का घड़ा भरता है तो फूटता ही फूटता है। ये सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। इन्होंने जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से अपने पावर का इन्होंने दुरुपयोग किया है और जितने गड़बड़ियां की है, वो आए जितने संपत्तियों का अर्जन करना हो, अपने पद का दुरुपयोग करना हो, खादान लेनी हो अपने भाई के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपने प्रतिनिधि के नाम पर, अपने पीए के नाम पर, प्रेस सलाहकार के नाम पर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो एक जगह निकल करके आएगी। भारत का कानून तो मजबूत है, भारत का कानून बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का वह रचना, उससे कोई भी, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई नीचे बैठा हुआ रंग हो या कोई फकीर हो, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उस पर कानून की कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन की सरकार अब मान रहे हैं, कहे कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिपक्ष के रूप में, एक चौकीदार के रूप में झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हितों को, जो हमारी संपदा है, हमारा जो संसाधन है, उसकी रक्षा को गलत तरीके से कोई उसको लूटे ना, इसके लिए सजग प्रहरी के रूप में हम लोग लगातार काम किए हैं। और हमारी सजगता के कारण ये जो सरकार, जो लूट की सरकार है, जो भ्रष्टाचार करने के लिए मतवाली सरकार है, जो कोयला, बालू, पत्थर, गिट्टी, इसको जिस तरह से संसाधनों का लूट कर रहे हैं झारखंड के लोक कल्याण से, जिनको कोई मदद कोई मतलब नहीं है, ऐसे सरकार को हम लोगों ने कटघरे में खड़ा किया है। अब होना उनका है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में जो भी विषय आएंगे उसको हम लोग ईमानदारी के साथ उसको प्रस्तुत करेंगे, उसको करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो राजनीतिक परिदृश्य जो खड़ी हुई है उसमें अभी वो क्या जवाब देते हैं, जवाब पर इंतजार करना चाहिए, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर इंतजार करना चाहिए। लेकिन नैतिकता ये कहता है कि आप इस्तीफा दे करके आप किसी भी पार्टी के किसी भी लोग को अपना मुख्यमंत्री बना करके आप आगे बढ़े। क्या मानते हैं, हेमंत सरकार 5 साल अपनी सरकार बना पाएगी? अभी तो जो उनका भविष्य है, भाग्य है, मैं कोई भविष्य देखने वाला नहीं हूँ, तो ये लोग बता पाएंगे। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ियाँ की है और जब पकड़े गए हैं तो कार्रवाइयाँ होंगी
और होनी भी चाहिए। हम लोगों की डिमांड है भाई कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को यदि आप संरक्षण देंगे जो खुद इतने बड़े पद पर बैठा हुआ जो मुखिया है, अगर मुखिया ही गड़बड़ करेगा तो नीचे के सारी व्यवस्थाएं तो ऐसी गड़बड़ होती चली जाएगी। इसलिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो जिससे लोग सबक लेकर के फिर इस तरह की गड़बड़ियां किसी दूसरे राज्य में कहीं नहीं हो पाए। तो आपने सुना अमर बौरी विधायक जो है उनकी बातें, तो अब देखना है कि हेमंत सरकार किस तरह से नोटिस का जवाब देती है और चुनाव आयोग किस तरह से इसे देखता है। जमशेदपुर से लाला जेबी 22।